दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर Samsung Galaxy A72 का गिव अवे लाइव है। अगर आप नए हैं और आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो पार्टिसिपेट कर लीजिए, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Vivo V21 5G और OnePlus Nord, यहाँ पर दोस्तों दो बातें ध्यान में रखिए, एक तो हमें प्राइस सेगमेंट से फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि दोनों की सेम है, और हमें ब्रांड का एक बार के लिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि OnePlus है। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर है ना, रात और दिन का फर्क है दोनों स्मार्टफोन के अंदर, आपके पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए, हमें कौन सा लेना चाहिए, रीजन विद माई ओपिनियन, आइए जान लेते हैं। What is up guys? दोस्तों आप सब कैसे हैं? Vivo ने इंडिया में लॉन्च किया है नया स्मार्टफोन Vivo V21 5G। ये स्मार्टफोन दोस्तों अपने बहुत ही कमाल फीचर्स के साथ में आता है और मार्केट में काफी अच्छी जगह बना रहा है, लेकिन दोस्तों प्राइस सेगमेंट को देखते हुए है ना, आज भी काफी यूजर्स हैं जो इसे OnePlus Nord के साथ में आज भी सोचते हैं कि हमें Nord लें या फिर ये नया वाला स्मार्टफोन लें, क्योंकि फीचर्स के अंदर कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हो या ना हो, प्राइस में तो दोस्तों बिल्कुल हमें सिमिलैरिटी मिलती है। और एक चीज़ हमारे दिमाग में जरूर से ट्रिक करती है कि जब एक चीज़ हमें सेम प्राइस में मिल रही है ना, तो फिर हमें कौन सी लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों कंप्लीट कंपेयर करेंगे OnePlus Nord को Vivo V21 के साथ और देखेंगे कि हमारे लिए बेस्ट कौन सा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉयड गुरु जी में। दोस्तों कंप्लीट जानकारी उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। बात करते हैं इन्हीं दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में। दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो वीवो में दोस्तों आपको ना काफी कुछ ज्यादा मिलता है बिल्ड क्वालिटी के अंदर भी, क्योंकि आपको यहाँ पर एक कलरफुल ग्लास मिलता है, मैट ग्लास है यहाँ पे दोस्तों, काफी कलरफुल स्मार्टफोन है। 7.29 mm ये थिन है दोस्तों, बहुत ही पतला बहुत ही स्लीक स्मार्टफोन है, और ऐसे में दोस्तों ना ये फ्लैट है, वेट है इसका लगभग 179 ग्राम का, लेकिन जो OnePlus Nord है दोस्तों वो स्लाइटली भारी है, 184 ग्राम का है, इतना ज्यादा पतला भी नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी बात है कि वहां पर आपको ग्लास उसमें भी मिलता है। दोनों के दोस्तों फ्रेम प्लास्टिक के हैं और बैक आपको दोनों में ग्लास मिलता है, तो मुझे दोस्तों बिल्ड क्वालिटी वीवो वाली थोड़ी ज्यादा पर्सनली पसंद आती है। उसके बाद में अगर हम बात कर रहे हैं डिस्प्ले की, तो वीवो में आपको मिलती है 6.44 इंच की फुल HD प्लस E3 AMOLED, जो कि एक Samsung का फीचर है E3 AMOLED, 90Hz की रिफ्रेश रेट है, 800 nits की ब्राइटनेस पीक है, HDR10 प्लस का सपोर्ट है, डिस्प्ले दोस्तों काफी अच्छी है। लेकिन हाँ एक बात कि Vivo में आपको प्री इंस्टॉल्ड ऐप मिलती है जिन्हें आप बाद में अनइंस्टॉल कर पाते हैं। ये डिस्प्ले में मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि डिस्प्ले आप ओपन करते ही आपको प्री इंस्टॉल्ड ऐप ही देखने को मिलती है, ये देखिए अभी इसके अंदर आप देख पा रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं Nord की, यहाँ पर आपको डिस्प्ले साइज सेम है 6.44, यहाँ पर आपको दोस्तों फ्लूइड AMOLED जो कि OnePlus यूज करता है सुपर AMOLED की जगह फ्लूइड AMOLED वो आपको मिलता है 90Hz के साथ में। दोस्तों दोनों ही काफी मजेदार हैं, वो डिपेंड करता है कि आप OnePlus वाले हैं या फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वाली बात है। बाकी दोस्तों डिस्प्ले दोनों की अच्छी है और दोनों की काफी सेम है। ऑलराइट दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में, प्रोसेसर के बारे में। तो Vivo में आपको मिलता है MediaTek का Dimensity 800U, दो वेरिएंट है दोस्तों यहां पर, 8128 और 8256 GB के, LPDDR4X RAM और UFS 2.2 के साथ में, एंटीथ स्कोर लगभग 3,40,000 का। लेकिन अगर हम बात करें हैं OnePlus Nord की, यहां पर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon का 765G। ये दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन है ना 5G है, यहाँ पर आपको तीन वेरिएंट मिलते हैं 664, 8128 और 12256 GB के। 664 आपको लेना नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप अलग से मेमोरी कार्ड यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, इसे आप एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, वही LPDDR4X RAM और UFS 2.2 के साथ में। अब ऐसे में दोस्तों ना सवाल आता है कि परफॉर्मेंस कैसी मिलेगी। देखिए वैसे तो है ना दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस ऑन एन एवरेज सेम मिलने वाली है, चाहे आप गेमिंग कीजिए, चाहे आप वीडियो एडिटिंग वगैरह कीजिए, नॉर्मल डे टू डे यूजेस कीजिए, ऑलमोस्ट सेम मिलने वाली है। लेकिन हाँ, जैसा कि एंटीटू बेंचमार्क हमें कहता है कि आपको Vivo V21 के अंदर स्लाइटली बेटर आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलने वाली है, जहाँ पर मैंने इसकी रिव्यू के अंदर और अनबॉक्सिंग के अंदर मैंने आपको कुछ मतलब परफॉर्मेंस के बारे में और ज़्यादा खुल के यहाँ पर बताया है, वहाँ जाके आप देखिए आपको सारी कहानी वहाँ पर समझ आ जाएगी। इन शॉर्ट मैं कहूँगा कि दोनों की दोस्तों वैसे सेम है, लेकिन स्लाइटली बेटर मिलेगी आपको Vivo V21 के अंदर। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं मेन हाईलाइट कैमरा के बारे में, और यहाँ पर मैं पहले Nord के बारे में बात करूँगा क्योंकि बाद में Vivo की बात करने के बाद में कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। Nord की बात करें, यहाँ पर दोस्तों क्वाड कैमरा सेटअप है 48 मेगापिक्सल्स का IMX586।
8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2-2 मेगापिक्सल के वही सेंसर और सेल्फी कैमरा, 32 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। हम आगे बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं वीवो की। वीवो में आपको दोस्तों ट्रिपल कैमरा स्लॉट मिलते हैं जो कि क्वाड का काम करते हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर OIS के साथ में, 8 मेगापिक्सल का वही वाइड एंगल विद बोके इफेक्ट, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 44 मेगापिक्सल का OIS के साथ में सेल्फी कैमरा, जहां पर आपको डुअल LED फ्लैश मिलता है फ्रंट के अंदर, जिसे हम कहते हैं कि स्पॉट लाइट फ्लैश हम उसे कहते हैं। ऐसे में दोस्तों हालांकि जो ग्रुप सेल्फी है ना वो आपको OnePlus Nord में अच्छी मिलेगी, हालांकि दोनों में आप 4K रिकॉर्डिंग कर पाते हैं फ्रंट एंड बैक के अंदर, लेकिन दोस्तों जो कैमरा के जो लेआउट है ना, जो कैमरा ऐप है, जो कैमरा के जो फीचर्स है, जो कैमरा के जो फंक्शंस है, वो आपको Vivo V21 के अंदर आपको OnePlus Nord से काफ़ी बेहतरीन मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमाल। जहाँ पर दोस्तों आपको अगर एक डिटेल वीडियो चाहिए ना, तो फिर आप रिव्यू वाली वीडियो देखिए, जहाँ पर मैंने वो दे रखी है, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, आई बटन के अंदर। वहाँ पर दोस्तों मैंने पूरी कैमरा ऐप को अच्छे से आपको यूज करके वहाँ पर दिखाया है। इन शॉर्ट मैं कहूँगा कि कैमरा आपको Vivo V21 का यहाँ पर अच्छा मिलने वाला है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर बैटरी की, जो कि एक मेन हाईलाइट नहीं है, दोनों में ही बैटरी काफ़ी कम है और सिमिलर है, 4000 और वहां पर 4115, 33 वॉट, 30 वॉट। दोस्तों मैं कहूंगा कि ऑनलाइन एवरेज ठीक है, फोन को थोड़ा हल्का और पतला करने के लिए बैटरी को थोड़ा सा कम यहां पर किया गया है, और जो OnePlus Nord है उसकी बैटरी दोस्तों वहां से 6 महीने पहले के हिसाब से 4000 mAh की ठीक ठाक है। बाकी ठीक है दोस्तों, ऑल फंक्शंस ठीक है, बैटरी मैं कहूंगा कि डिसेंट है, ज्यादा हो सकती थी, लेकिन हाँ जो सेमनेस है ना उसे बनाए रखने के लिए बैटरी यहाँ पर कम करना जरूरी था। अगर हम बात करें दोस्तों प्राइस सेगमेंट की, क्योंकि हमें एज ए व्यूअर, एज ए कस्टमर प्राइस सेगमेंट पर हमारा ज्यादा फोकस रहता है। Vivo V21 दो वेरियंट है, 30,000 रुपये और 32,000 रुपये, लेकिन जो OnePlus Nord है दोस्तों तीन वेरियंट, 25,000 रुपये, 28,000 रुपये और 30,000 रुपये। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की दोनों ही स्मार्टफोन को देखते हुए। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी Vivo की मुझे ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि प्राइस सेगमेंट के अंदर सेम वेरियंट में 2,000 रुपये महंगा है Vivo। हाँ बाकी ऑफलाइन में दोस्तों थोड़ा डिपेंड करेगा आपको डिस्काउंट कितना मिलता है, मैं आपको एज ओ कंपनी की जो प्राइस है ना वो यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो बिल्ड क्वालिटी मुझे Vivo की ज़्यादा पसंद आती है। डिस्प्ले दोस्तों दोनों की काफ़ी अच्छी है, नो डाउट दोस्तों दोनों की काफ़ी अच्छी है। अब वो वाली बात है ना अगर कि हाँ भाई ये तो Vivo है, वो OnePlus है, अगर वो मैटर है दोस्तों तो फिर बात अलग है। बाकी डिस्प्ले दोनों की अच्छी है, प्रोसेसर दोनों के काफ़ी अच्छे हैं, परफॉर्मेंस दोनों की ही काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सिमिलर है, और जो कैमरा क्वालिटी है दोस्तों OnePlus बहुत पीछे रह गया, OnePlus Nord बहुत पीछे रह गया, बाकी तो OnePlus के स्मार्टफोन काफी कातिल है। अगर हम बात करें ना Vivo की दोस्तों, कैमरा बहुत ही जबरदस्त है, फुल्ली रिव्यू वीडियो मैंने आपको दे रखी है, वहां जाके देखिए, कंप्लीट कैमरा ऐप आपको समझ आ जाएगी, बैटरी वगैरह प्राइस सेगमेंट वगैरह बिल्कुल सेम है। तो ऐसे में दोस्तों अगर मुझे स्मार्टफोन लेना होगा ना लगभग 30,000 रुपए का, तो मेरी चॉइस रहेगी Vivo V21 5G। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है दोनों फोन के बारे में बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, आपको कौन सा अच्छा लगा, बुरा लगा और क्यों लगा, सभी बातें दोस्तों कमेंट्स में कर दीजिए। गिव अवे चालू है दोस्तों इसी Vivo V21 का, अगर आप नए हैं और आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाइए और पार्टिसिपेट कीजिए। वीडियो पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।